हेलो गाइज, आज मैं आपको माय स्वीट डियर का लास्ट एपिसोड एक्सप्लेन करने वाली हूँ। अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो इसे लाइक, शेयर और कमेंट करना, और चैनल पर न्यू हो तो सब्सक्राइब जरूर कीजिए। तो बिना देर करे शुरू करते हैं ड्रामा के लास्ट एपिसोड को। स्टार्टिंग में हमें दिखाते हैं स्टाफ मेंबर कॉम्पिटिशन के पोस्टर को लोरा डाइनिंग के बाहर रखता है। चॉय और यून दोनों ही रेडी होते हैं, तो यून उसे कहता है चॉय अच्छे से करना और उसके एप्रन और स्कार्फ को ठीक करता है और बोलता है आज तुम अच्छे दिख रहे हो। तो चॉय भी उसके एप्रन की नोट ठीक से बांधता है और बोलता है मुझे इसे देखकर फर्स्ट डे की याद आ गई। तो यून कहता है तुम्हें पता है उस दिन तुम ज्यादा ही रूड थे, क्या तुम रेडी हो? तो चॉय कहता है हाँ, और दोनों अपना हाथ एक दूसरे से जोड़ते और दोनों भी अपने अपने डिश रेडी करने लगते। शाम को स्टाफ मेंबर ग्लास क्लीन कर रहा था और बोलता है फाइनली वो मेनू टेस्टिंग वाला दिन आ ही गया तो मैं एक्साइटेड हूँ। सब कंपटीशन की तैयारी करते, लोरा और बाकी दो जजेस भी आते। तो लोरा उनसे कहती है अब एंजॉय करो, ये सिर्फ फॉर्मेलिटी है। तभी चॉय और यून अपने अपने डिश लेकर आते हैं और दोनों एक दूसरे को देखते हैं। लोरा कहती है आप दोनों ने अच्छा काम किया है, तो क्या आप अपने अपने डिश के बारे में एक्सप्लेन करेंगे क्या? दोनों भी साथ में बोलते मेरी डिश की थीम है। यून कहता है मेमोरीज और चॉय कहता है लव। तो लोरा कहती है क्या शेफ चॉय आप पहले अपने डिश के बारे में एक्सप्लेन करेंगे? तो चॉय कहता है मेरी डिश की थीम है लव। मैंने जब से इस रेस्टोरेंट में काम करना स्टार्ट किया है तो मैंने सीखा है जब आप अपनी डिश तैयार करते हो तो उसमें इमोशन होने चाहिए। और अपने और यून की प्यारी यादों को याद करता है और बोलता है मैंने एक ऐसी डिश रिक्रिएट की है जिसमें प्यार का मीठा और कड़वा स्वाद है, यही मैंने एक्सपीरियंस किया है। तो जजेस उस डिश को टेस्ट करते हैं। बाद में यून अपने डिश को एक्सप्लेन करता है, वो बोलता है मेरी डिश की थीम है मेमोरीज। जब मैंने शेफ बन के फर्स्ट टाइम लोरा डाइनिंग में कुकिंग किया था मुझे वो दिन याद है, मैंने और लोरा ने मिलकर इस रेस्टोरेंट को ओपन किया था, तब मैं खुश था। इस प्लेट में वही टाइम है जो मैंने लोरा डाइनिंग में बिताया है। किसी ने मुझे कहा था इस फ्लेवर में मेमोरीज है, उसने ये नहीं कहा था कि ये इनक्रेडिबल था। और वो अपनी और चॉय की स्वीट मेमोरीज को याद करता है और बोलता है कि यही न्यू मेमोरीज है। और वो चॉय को देखता है, लोरा उसके डिश को टेस्ट करती है और उसे पुराने दिन याद आते हैं। उसे बुरा लगता है फिर भी वो चॉय को जितवाती है और उसे हेडशेफ की टाइटल देती है और उसे कॉन्ग्रेचुलेशन बोलकर वहाँ से चली जाती है। बाकी शेफ भी ताली बजाते हुए उसे कॉन्ग्रेस बोलते हैं। चॉय और यून एक दूसरे को देखकर स्माइल करते हैं। बाद में यून किचन में अकेला होता है तभी वह लोरा आती है और उसे बोलती है अगर मैं इसके बारे में सोचती हूँ तो अब बहुत कुछ था जिसके बारे में मैं भूल गई थी, पर मैंने तुम्हारी डिश टेस्ट कर दी तभी मुझे हमने इस रेस्टोरेंट को ओपन किया था उस दिन की याद आ गई, इनोसेंट और हैप्पी मेमोरीज। और एक बात जो मैं भूलने से पहले कहना चाहती हूँ, तुम्हारी डिश मेरे लिए अब तक की सबसे बेस्ट चीज थी। तो यून कहते हैं मुझे भी रियलाइज हुआ कि मैंने भी बहुत सारे मिस्टेक किए इसलिए तुम्हें ये डिसीजन लेना पड़ा, मैं तुम्हें और मुश्किल में नहीं डालूंगा। लोरा डाइनिंग को उसका हेड शेफ मिल गया है। तो लोरा कहते हैं पर तुम फिर से उस बारे में सोचोगे तो मुझे अच्छा लगेगा। तो यून उसे हर एक चीज के लिए थैंक यू कहता है और हाथ मिलाने के लिए हाथ आगे करता है। तो लोरा कहती है तुम अब भी वैसे ही हो और उसे हाथ मिलाती है। ये देखकर चॉय उन दोनों के लिए खुश होता है और वो वहां से चला जाता है। बाद में वो दोनों चॉय के घर सेलिब्रेट कर रहे थे। यून कहता है थैंक यू तुमने मेरा प्रॉमिस याद रखा। तो चॉय कहता है थैंक यू सो मच हेड शेफ यून। तो यून कहता है मेरे लिए लोरा डाइनिंग का ख्याल रखना और उसे हेड शेफ का बैज देता है। तो चॉय कहता है क्या तुम मेरे साथ नहीं रह सकते? तो यून कहता है मैं तुम्हारे लिए ही जा रहा हूँ, इतने अच्छे दिन पर तुम ऐसे क्यों कर रहे हो? तो चॉय कहता है क्योंकि मैं खुश हूँ और उसे वही गिफ्ट वापस देता है। तो यून कहता है ये गिफ्ट यहाँ कैसे आया? तो चॉय कहता है इसे फिर से कहीं पर फेंकना मत, अपने पास हर टाइम रखना, उसे देखकर तुम मेरे बारे में सोचोगे। तो यून कहता है ओके मैं तुम्हारे बारे में हर दिन सोचता रहूंगा। और उसे कहता है चलो
खाना खाते हैं और वो फूड खाने लगता है। तो चॉय सिर्फ उसे देख रहा था। तो यून कहता है मेरा फेस खराब होने वाला है। तो चॉय उसका हाथ पकड़ता है और बोलता है एक मिनट ऐसे रहो, मुझे यून के आंखों को देखकर चार्ज होना है। तो यून उसे आइसक्रीम खिलाता है और दोनों ड्रिंक पीते है। बाद में हमें दिखाते हैं चॉय फिश मार्केट में फिश लाने के लिए जाता है और यून ने जो उसे फिश के बारे में समझाया था उस नोट को देख कर कहता है क्या मुझे ये फ्रेश फिश मिल सकते है क्या। हमें 3 मंथ्स के बाद का सीन दिखाया जाता है। चॉय लोरा डाइनिंग को अच्छे से चला रहा था और उसके कस्टमर उसके साथ पिक लेते हैं। स्टाफ मेंबर कहता है हमारी न्यू डिश अमेजिंग है। तो चॉय कहता है क्योंकि शेफ चॉय ने उसे बनाया है और दोनों ही स्माइल करते हैं। चॉय हर एक कस्टमर को पूछता है कि आपको कुछ प्रॉब्लम तो नहीं है ना। तभी वो किचन में देखता है तो यूनियन का कबर्ड के कॉर्नर से सिर टकराता है। तो चॉय अपनी पुरानी मेमोरीज को याद करता है और वो स्माइल करता है। तभी उसे यून का कॉल आता है। बाद में हमें दिखाते हैं चॉय दौड़कर उसी प्लेस पर चला जाता है जहाँ वो यून को लेकर गया था। तभी वहाँ पीछे से यून आता है तो उसे देखकर चॉय स्माइल करता है। यून कहता है तुम तो ज्यादा ही हैंडसम हो गए। तो चॉय कहता है मेरा लुक कम्प्लीटली रुइन हो गया क्योंकि मैं तुम्हें देखने के लिए भाग कर आया हूँ, तो मैं हैंडसम कैसे दिख रहा हूँ। तो यून कहता है मैं तुम्हारे हार्ट के बारे में कह रहा हूँ। तो चॉय कहता है मैंने तुम्हें मिस किया एवरी सिंगल मोमेंट और उसे हग करता है। बाद में वो बीच पर चल रहे थे तो चॉय उसका हाथ पकड़ता है। तो यून कहता है मुझे लास्ट टाइम के बारे में याद आ गया। तो चॉय हंसने लगता है और दोनों साथ में खुश होते हैं। यून उसे एक रेस्टोरेंट में लेकर जाता है। चॉय कहता है ये प्लेस कितना अच्छा है। तो यून कहते हैं ये अभी कंप्लीट नहीं हुआ है, मैं इसमें वर्क कर रहा हूँ पर मैंने डिसाइड किया है इसे आज ही ओपन करूँ। तो चॉय शॉक होता है। तो यून कहते हैं तुम मेरे इस रेस्टोरेंट के फर्स्ट गेस्ट हो तो मैं तुम्हें इनवाइट करना चाहता हूँ। तो चॉय खुश होता है और बोलता है ओके, और दोनों स्माइल करते हैं। तभी चॉय उस पालना को देखता है और बोलता है ये अच्छा लग रहा है। तो यून कहते हैं ऑफ कोर्स क्योंकि तुम्हें पता ही है ये किसने दिया है। तो चॉय उस पालना को स्टार्ट करता है और स्माइल करता है और बोलता है क्या मैं इस प्लेस का खाना टेस्ट कर सकता हूँ। तो यून कहता है हाँ और उसे फूड देता है। तो उस फूड को देखकर चॉय कहता है यून का फूड इतना ब्राइट कैसे दिखने लगा। तो यून कहता है मैं किसी चॉय नाम के लड़के को मिला था। तो चॉय स्माइल करता है। तो यून कहता है क्या तुम्हें याद है हमने रॉ फिश सूप लिया था। तो चॉय कहता है मैं उसे कैसे भूल सकता हूँ जिसने मुझे इम्प्रेस किया था। तो यून कहता है मैंने उसे रिक्रिएट करके मेरे स्टाइल से बनाया है तो ट्राई करो। तो चॉय उस फूड को टेस्ट करता है और बोलता है ये तो अमेजिंग है। तो यून कहता है पर मैंने इस डिश का नाम नहीं रखा है। तो चॉय कहता है माय स्वीट डियर। तो यून उसे फिर से कहता है और दोनों हाथों में हाथ देकर स्माइल करते हैं। ओके गाइज, यह हमारा ये एपिसोड खत्म होता है, साथ में ये ड्रामा भी। तो आप अब कौन सा ड्रामा देखना पसंद करोगे प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बताना। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो उसे लाइक शेयर और कमेंट करना, और चैनल पर न्यू हो तो ज़रूर सब्सक्राइब करना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।